नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर हरदोई पाली से। पाली कस्बे के सेठ बाबूराम भारती इंटर कॉलेज में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तहसील एवं ब्लॉक कमेटी की घोषणा की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद कुशवाहा व जिला अध्यक्ष आमिर किरमानी सहित कई जिले के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद कुशवाहा एवं जिला अध्यक्ष आमिर किरमानी ने पाली निवासी पत्रकार विष्णुकांत वाजपेयी को संगठन का तहसील अध्यक्ष व अजीत प्रताप सिंह को तहसील मुख्य महासचिव घोषित किया। इसके अलावा भरखनी ब्लॉक के अध्यक्ष एवं ब्लॉक मुख्य महासचिव की भी घोषणा की गई। बैठक में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद कुशवाहा ने पत्रकारों के हितों को लेकर संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताते हुए बताया, उनका संगठन सरकार से पत्रकार आयोग बनाने की मांग कर रहा है और 60 वर्ष से अधिक के पत्रकारों को 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने व कार्यरत पत्रकारों को 10 लाख का दुर्घटना बीमा देने की मांग कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारों को आपसी मतभेद भुलाकर एक होकर संगठित रूप से रहना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पत्रकार उत्पीड़न पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी के प्रलोभन में आकर खबरें प्रकाशित ना करें, जो सच्चाई हो उसे प्रमुखता से प्रकाशित करें। किसी भी विषम परिस्थितियों में संगठन पत्रकारों के साथ खड़ा है। विश्वसनीय खबरें सोशल मीडिया पर नहीं मिलती, बल्कि उन्हें फील्ड में जाकर समाचार संकलन का कार्य करना चाहिए, जिसमें पत्रकार को दोनों पक्षों की विधिवत जानकारी संकलित करके ही खबर को प्रकाशित कराना चाहिए, जिस पर सभी पत्रकारों ने सहमति जताई। जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी दिवाकर मिश्रा व विपिन कुशवाहा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिला मुख्य महासचिव एवं सवायसपुर तहसील प्रभारी अनुराग गुप्ता के संयोजन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। आए हुए अतिथियों का अनुराग गुप्ता, विष्णुकांत वाजपेयी, जनार्दन श्रीवास्तव, शोभित मिश्रा, विशाल वाजपेयी, उपेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेन्द्र राजवंशी सहित सभी पत्रकारों ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में सवायसपुर, हरपालपुर, रूपापुर, पचदेवरा, भरखनी, पाली क्षेत्र की बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। ब्लॉक संवाददाता श्यामू राजपूत, सहयोगी संवाददाता अमरपाल सिंह की रिपोर्ट।